फरताबाद विलेज के सितनूर गांव में 20 साल शाहिदा बेगम का अपने ससुराल में फांसी लगाकर खुदकुशी करने का वाकया पेश आया है। शाहिदा बेगम के माँ बाप जेवर की तालुका गवार विलेज के रहने वाले हैं। अपनी बेटी के मौत के बाद पिछले 3 साल से हो रहे जुल्म की दास्तान मीडिया के जरिए सुनाई है। शाहिदा बेगम के घर वालों ने कहा, इनकी शादी को अभी सिर्फ 3 साल ही हुए थे और ये हादसा पेश आया है। शादी के बाद से हर रोज शाहिदा रोकर अपने हस्बैंड और ससुराल वालों के जुल्म की कहानी सुना रही थी, पर गरीबी की वजह से माँ बाप अपनी बेटी को ससुराल में ही जिंदगी गुजारने की सलाह दे रहे थे। ये सोच रहे थे कि आज नहीं तो कल हालात सुधर जाएंगे, पर 20 साल शाहिदा बेगम की मौत के बाद घर वालों ने कहा, शादी में 3 से 4 तोला सोना देने के बावजूद दारू पीकर रोज दहेज के लिए जुल्म किया जा रहा था। लगातार जुल्म के बाद आज शाहिदा की लाश घर वालों के सामने रखी गई है। ससुराल में फांसी पर लटकी लाश को देख खुदकुशी का मामला नजर आ रहा है, पर शाहिदा के घर वालों ने कहा, लड़की के पैर और सर पर गहरी चोट के निशान है, इसे मारकर जानबूझकर फांसी पर लटकाया गया है। शाहिदा बेगम का हस्बैंड ख्वाजा हुसैन फिलहाल फरताबाद पुलिस की गिरफ्त में है और दीगर ससुराल वाले फरार हैं। शाहिदा बेगम के घर वालों ने इस मौत के जिम्मेदार तमाम लोगों को फांसी की सजा की मांग की है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मजीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा माँ बाप गरीब है बोलकर नहीं बोली, हम लोग के सामने बोलती थी घर पे आके, हम लोग समझाए एक बार, फिर वो नहीं समझे, उसकी जान लिए। इंसाफ होना हम लोग को, इंसाफ चाहिए, जान के बदले जान। हमारी शायदा मुझे तुम रोज मारते थे, हमारे रोज बोलती थे, हमारे शायदा फोन लगा को मारनी तो बोलती थी, दिलाले कहते दम तकरार, दिलाले कहते दम तकरार, 4 तोले सुना डाले में और 1 तोला लगा कोने वाली उन्हों, हम लोग बोलती थे हमारे शायदा फांसी करे हम लोग उन्हों, 3 साल से करे हमारे बहन जरा जरा रहे तो बोले तो हमारे माँ बाप गरीब है रहें दे तेरे मर घर में रो बोले में, हमारी बहन बोले तो भी रहें दे रो कहे में, हमारी बहन कब गो कहे तो रो को जाना उनके सामने हमारे सामने, हमारे माँ बाप है ना को रो कहे में, हमारे माँ बाप को तकलीफ है तू ना को दे कहे में, ये तक करे उनो हमने इंसाफ चाहिए। ख्वाजा हुसैन पूरे घर वाले चुते उनो हमें आए था कि उसे मारे थे, उसे मार को पलंग को डाले, उसे रस्सी लटका कौन भाग पार हुआ, मैं बचना कर को पार हुआ उन, उसे नहीं छोड़ना में हमना कि इंसाफ दिलाओ, हमें गरीब के बच्चे हैं, इंसाफ दिलाओ, हमारे जैसा किसी की बहन को ऐसा ना को हो, अम्मा हमारा पेट जले ना दूसरे का बहन का ना को जलो, अम्मा हमारा आज जलता में बैठती, अम्मा दूसरे तो दुनिया में रहेंदे, अम्मा उन सास क्या करी मेरे भान को, अम्मा बच्चे नहीं होते घर को टॉर्चर करी, अम्मा उसे मारी, अम्मा मारे तो भी सास है के बड़ी है रहें दे के। बच्ची को सिग्नल में कल दोपहर में 11 बजे उनका आदमी पी के पहले आके उनके घुटने को मारा बच्ची को, उसके बाद सर पे मारा, अभी तक बच्ची का खून बह रहा, तो उनको मार के फांसी डाल के चले गए, उनके घर वाले फरार है, उनका आदमी भी फरार है, वो पुलिस स्टेशन में जाके बैठा है लेकिन उनके सास ससुरे फरार है, और अभी तक कोई यहाँ पे कोई आया नहीं है, कोई पूछ रहा नहीं, कोई पूछ है, सिर्फ FIR की रसीद ली है बस, उसके बाद ना हमारा कोई फैसला कर रहे ना कुछ कर रहे, इसीलिए हम लोग मीडिया वालों को बुलाए, शायद आपके सपोर्ट से कुछ हो सकता है हमारा, तो आप ही सहारा है, आप प्लीज आप थोड़ा देखिए, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है हमारी बात पे, बस एक सुबह से एक रात से बाहर बैठे बच्ची को वहाँ डाले, कोई पूछ नहीं रहा है हम लोग को। हाँ 2020 में शादी हुई थी, 3 साल हो गया बच्ची को, रोज टॉर्चर करता था, पी के चिल्लाता था, उसके उनके माँ बाप थोड़ा गरीब है, वो हैदराबाद में कर खाने के लिए गए, तो वो बच्ची बोल नहीं सकती थी, माँ बाप गरीब है इसलिए कुछ बोली नहीं, वो घुट घुट के रही, कल अचानक पी के आके मारा। 3 साल हो गए बच्ची को शादी होके, 11 बजे वो बच्ची की जान चले गई, लेकिन उनके घर वाले फोन कब करे, दिन में 4 बजे जान गई, 11 बजे और करे 4 बजे, बस हम सिर्फ इतना चाहते हैं, या तो उसको फांसी की सजा दिलाओ, फांसी की सजा दिलाना ही है उसको, या फिर हमारे हाथ में दे दिए, हम लोग करेंगे इंसाफ, जान के बदले जान, और कुछ नहीं चाहिए हमको, बस उसकी जान चाहिए।
ये उनकी फुफू है, लोग बोलेंगे उनके बारे में। 3 साल हुआ शादी हो, तो लो आज सोना दिए। हाँ, सोने के बारे में चौसल करता था वो, और एक तोला चाहिए बोलता था, और एक तोला मांगता बोलता था, पी का के मारता था। बोल हमारे ना को नहीं, जान के बदल जान न तो हमारे हाथ में छोड़ो, बस इतना इंसाफ, इतना इंसाफ है हमारे पास। फांसी की सजा दिलाओ, हमें न्याय पे पूरा भरोसा है, पुलिस पे भरोसा है, और लास्ट तो आप मीडिया वाले तो आइए। शहदा बेगम सर, हमारे भाण के नाम उनको मार के उठ भाई सर, हमारे को 4 घंटे को फोन करे, हम बोले बोले तो क्या बोले उन्होंने, तुम्हारा भाण मार गई बोले, हमें बोले कैसा मार गई बोले, तो उन्होंने क्या बोले, नहीं तुम्हारा भाण हम खींचती गए घर को गए लेकिन मर गई करके बोले सर, वो मर गए से नहीं सर, होटल वाले मरे से नहीं सर, मारे से सर, हमारे भाईजन मारे, उसके भाईजन के अम्मी उन्होंने मिला के मारे सर, उठने गए सर, यहाँ है सर, शेर के पीछे सुड़ी सर, सब जाएगा सर, बोलते सर सोना दिला, तुम्हारे अब्बा के पास सोना लेकर आओ, वो लेकर तुम्हारे अब्बा के घर बेचे, उन्होंने कहते घर भी बेचे, हमें हमारे चाचा घर भी बेच छोड़े पूरे, उन्होंने कहते शादी करे ना करे घर भी बेच दिए,